तो भाई ये देख लो आज की रेसिपी होने वाली है कचौड़ी। काफ़ी कम क्वांटिटी में हम सीखेंगे, अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, आगे आपको बताता हूँ सारा स्टेप बाय स्टेप। तो अंकल जी पहले आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, अंकल जी को तो हमारी सारी पब्लिक जानती है। ये गोलगप्पा, ये देखो अंकल कह रहे हैं गोलगप्पा। कचौड़ी है, करारी सी है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं भाई इसके अंदर जो बेसन है वो कच्चा है, कैसे पकेगा, सब बताएंगे आपको, सब पक जाता है। कच्चा नहीं होता ये, कच्चा बिल्कुल नहीं होता, एक्सपीरियंस चाहिए होता है अंकल इसको, है ना, बनाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरीके से ये बनाया जाता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो कचौड़ी बना रहे हम कम क्वांटिटी में, एक किलो के हिसाब से ना अंकल जी, एक किलो। अगर आप घर पे आधा बनाना चाहते हो तो फिर आधा किलो का आप हिसाब कर देना अंकल। जैसे हम एक किलो का बना रहे हैं तो कितनी कचौड़ी बन जाएगी इसमें? ये बन जाएगा 35 कचौड़ी। 35 कचौड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसका आधा भी कर सकते हो घर पे। तो चलिए क्या करके देखेंगे क्या क्या इसमें डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जा रहा है इसमें नमक, घर वाला चम्मच है, डेढ़ चम्मच जो घर के चम्मच होते हैं ना, इसका डेढ़ चम्मच है आपका ये नमक। तो भाई ये देख लो सबसे पहले जा रहा है अंकल जी इसमें घी। हाँ जी, घी जा रहा है। एक किलो मैदा के हिसाब से कितना ग्राम जाएगा अंकल घी? 300 ग्राम जाएगा। 300 ग्राम, आधा तेल आधा घी, आधा तेल आधा घी, तो दोनों मिला के 300 ग्राम होगा अंकल? या दोनों मिला के होगा ना, ठीक है। तो 150 ग्राम घी और 150 ग्राम अंकल जी, 150 ग्राम घी और 150 ग्राम तेल, दोनों का मिला के ठंडी मौसम में। अच्छा अंकल जी, जैसे ठंडी का मौसम है तो आप आधा आधा मिक्स करके डाल रहे हो, ठीक है। ये आपका तेल आ गया, ये रिफाइंड आ गया, ठीक है। टोटल 300 ग्राम हो गया। अच्छा अंकल जी, दो क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये है कि आप कह रहे हो कि सर्दियों में मिला के डालना पड़ता है, गर्मी में सिर्फ घी, और घी जिसको नहीं यूज करना महंगा पड़ रहा है, रिफाइंड लगा लो 300 ग्राम लगेगा। और सर्दियों में दूसरा क्वेश्चन है, सर्दियों में गर्म रहेगा, गर्म पानी, सॉरी गर्म पानी करो, गर्म रिफाइंड, गर्म पानी, हर चीज गर्म लगेगा, गर्म लगेगा सर्दियों में, मुलायम रहने से सख्त हो जाएगी, फिर बनेगा नहीं, कचौड़ी फट जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। और गर्मियों में? गर्मियों में जैसे मर्जी लगा लो, नॉर्मल, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। सर्दी में आपको 150 ग्राम घी, 150 ग्राम रिफाइंड लेना है गर्म, और पानी भी आपका गर्म जाएगा। और गर्मियों में आप रिफाइंड ले लो 300 ग्राम, या फिर घी ले लो 300 ग्राम, और पानी नॉर्मल, दोनों चीज नॉर्मल, ठीक है। और अगर पानी कितना जाएगा? हमें 1 किलो पानी जाएगा, कम पड़ेगा और लग जाएगा। अच्छा, 1 किलो पानी? हाँ जी, 1 किलो मैदा में 1 किलो पानी, कम पड़ेगा और लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कम भी लगा सकते हो आप जैसे अपने हिसाब से, ठीक है। हमको मुलायम टाइट करना। तो पर लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अंकल को कम से कम 50-55 साल का हो गया है एक्सपीरियंस, तो आप जब आप घर पे लगाओगे आप कम कम करके डालना, ऐसा ना कि ज्यादा गीला हो जाए, है ना अंकल जी, सही कह रहे हो। हमने पानी लगाया ना, पानी इसमें थोड़ा कम पड़ेगा, क्यों अभी गर्म है, ठीक है, हवा लगेगा ना तो टाइट हो जाएगा, हम थोड़ा पानी फिर छिटा मारेंगे, ठीक है। अभी अंकल कह रहे जो मैंने डाला वो भी कम ही, अभी कम ही लग रहा है, वो भी फिर थोड़ा बाद में छीटा मारेंगे, क्योंकि इसका जो डो रहता है ना वो काफी मुलायम सा रहता है ना अंकल। सर्दियों में मुलायम नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ठीक है, क्यों ढलता है ना ये, ठीक है। सर्दियों में ना जल्दी वो, अभी देखो ये गर्म है, अभी गर्म है ना, अभी हवा निकल रही है, भाप निकल रही है, अभी जब हवा लग जाएगी ना टाइट हो जाएगा ये, ठीक है। अभी थोड़ा पानी और लगाएंगे इसमें, इसमें अभी और लगाएंगे, हाँ थोड़ा छीटा मारेंगे, ठीक है, हल्का छीटा मारेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस हल्का हल्का, क्योंकि टाइट है ना मेरा, ठीक है, हो जाएगा लूंगा फिर, ठीक है, तभी इसमें फुलावट अच्छी आएगी और अच्छा सा बनेगा, सफाई आएगी। तो थोड़ा सा हमने गीला गीला सा रखना है इसको सर्दियों में, और अंकल गर्मियों में? गर्मी टाइट लगाओ, क्यों ढलता है, धूप गर्मी लगती है तो, ठीक है। एक बार हम गर्मी में भी आएंगे दोबारा बनाने, इतनी वो वाला अलग से सीखेंगे फिर। बस अगर इसके ऊपर तेल वेल कुछ तो नहीं लगाएंगे ना? कुछ नहीं लगाना ना, बस यार मामला है हवा निकालना है इसका, ठीक है, पानी पैक कर देंगे हम, ठीक है, इसको ऐसा करके थोड़ी सी इसकी हवा निकालनी है, जैसे हवा मतलब अंकल जो गर्म गर्म हवा आ रही है ना वो। सिर्फ भाई 1 से 1.5 मिनट इसको रखा था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखो अंकल बता रहे हैं आपको, ऐसा होना चाहिए इतना मुलायम, ताकि ताकि भरने के बाद जो यूं करके चिकनाहट आ जाए, चिकनाहट आ जाए, ठीक है, मुलायम होना चाहिए आपका आटा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में अपने आप थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, टाइट होगा ये, ठंडा होगा जितना, अभी और ठंडा होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा टाइट होता रहेगा,
क्योंकि अंकल जैसे बता रहे थे ना, अगर इसको थोड़ा अगर आप टाइट बनाओगे ना, टाइट गूंदोगे तो थोड़ी देर में इतना ज्यादा टाइट हो जाएगा कि फिर बनने लायक ही नहीं होगा। इसलिए आपको मुलायम सा रखना है। अब इसको पन्नी के अंदर छोड़ देना है। कितनी देर के लिए छोड़ सकते अंकल? आधा घंटे छोड़ दो इसको। आधे घंटे के लिए छोड़ दो, बना लो। ठीक, अच्छा जैसे कि इसको अभी बनाना शुरू कर सकते हैं? अभी बना लो, चाहे एक घंटे बाद बना लो, दो घंटे बाद बना लो, तो वहाँ काम सेट हो गया। सेट हो गया ना, ये कुछ नहीं करना इसको। ठीक है, तो ये अंकल ने रख दिया साइड में। तो चलिए अब इसका मसाला देखते हैं। मूंग की दाल है 50 ग्राम, ठीक है, इसका मसाला बन रहा है। अच्छा अंकल जी, कई लोग बोलते हैं कि मसाला ये आपने भिगा के नहीं रखी हुई, कच्ची रखी हुई है, तो कच्ची नहीं होती कचौड़ी अंदर से मसाला? नहीं नहीं, कच्ची नहीं होगी, भिगाया जाएगा ना, भिगाने बाद फूलती कर दाल जब भिग जाती है ना, तो ये हमारा जो है इकट्ठा खान पड़ता है तो मुंह में आराम आराम पकता है ये। अच्छा, ज्यादा सेकते नहीं, मध्यांश पकेगा, जितना होगा पकेगा उतना करारा होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको ऐसी डालने की जरूरत है, सिर्फ ये हल्का सा आप इसमें पानी डालोगे अपना फूल जाएगी अंदर ही अंदर। थोड़ा सा डालेंगे गर्म पानी अंकल? हाँ जी हाँ जी, गर्मी में भी सर्दी में भी दोनों तरफ गर्म है। हाँ गर्म है, गर्मी में भी? हाँ फूल जाना चाहिए। ठीक है, गर्मी में भी आपको इसमें गर्म पानी ही डालना है। ठीक है, ये 50 ग्राम आपकी मूंग की दाल है। मजा नहीं आया हमारे तो अंकल, इसको ये गर्म पानी डालूंगा कितनी देर के लिए छोड़ना? ये फूल गया समझ लो भाई, बस थोड़ा सा ही फूल गया, फूल गया पूरा। ठीक है, इसको टाइम नहीं चाहिए होता पकाने का, इसे करने का, ये फूल जाती है अपना। इसमें हम डालेंगे बेसन। ठीक है, अब अंकल इसमें डालेंगे बेसन मोटा, और बेसन भी कई लोग बोल रहे थे अंकल कच्चा रहता है अंदर से। भाई साहब वो एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ आके आप कचौड़ी खाओ विक्रम स्वीट्स में। अगर आपको घर में बनाना है तो उड़ की दाल लीजिए चाहे मूंग दाल लीजिए, तो कम पीस दीजिए, पीस दीजिए। आप पीसने के बाद जो है तो थोड़ा तेल डाल के जीरा वगैरह डाल के कढ़ाई में भूज दो, भूजने के बाद बनाओ तो और अच्छा लगता है। और बेसन अंकल, बेसन का? बेसन हम नहीं भूजते, ऐसे चलता है, बेसन खराब नहीं होता हमारा, खराब हफ्ते भर के हमारे नहीं। तो जैसे अंकल जी बेसन का आप बता रहे हो, आपको तो एक्सपीरियंस है, हल्की आंच में आप पकाए तो बेसन अंदर पक जाता है। जो नौसिखिए टाइप के घर पे सीख रहे हैं उनका जैसे कच्चा रहता अंदर से? नहीं कच्चा कैसे रहेगा, उसे कच्चा ही मिलेगा तो कच्चा रहेगा नहीं, उसका कोई और कुछ जुगाड़ है? जैसे कि हमने बेसन को पहले भून दिया अच्छे से, भूजना चाहे तो भून सकते, कोई बात नहीं है, भून सकते, हल्की आंच में भूजना, हल्की आंच में भूनना ताकि आपका कच्चा ना रहे, अगर आपको लगता है कि बेसन हमारा कच्चा ना रह जाए। बेसन कितना जाएगा अंकल इसमें मोटा? बेसन है 300 ग्राम, 300 ग्राम आपका जाएगा बेसन। कसूरी मेथी सबसे पहले जाएगी आपकी, कसूरी मेथी थोड़ी सी। अब इसमें डाल रहे हैं अंकल जी हींग। अब देखो यहाँ पे अंकल जी हींग डाल रहे क्योंकि ये ब्रांड दूसरा है, ये ज्यादा डलती है। ठीक है, हमने दो चम्मच हींग डाली है। बट अंकल ये जैसे घर पे MDH की हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर, तो MDH की नहीं डालनी है, हल्का नाम डालो फिर, फिर नाम के डालने। ठीक है, ये ब्रांड दूसरा है इसलिए अंकल बहुत ज्यादा डालते हैं, बट ये काम उतना ही करता है MDH की। इतनी सी आप थोड़ी सी लोगे ना, ये उतना ही काम करेगी जितना ये, जितना उसकी थोड़ी सी करेगी ये दो चम्मच कर रही है। दो चम्मच घर वाला सौंफ डालनी है आपने, दो चम्मच मीठा सोडा, मीठा सोडा दो चम्मच मीठा सोडा, क्योंकि हमने जो डो था उसमें नहीं डाला था, जो हमने आटा इसका लगा इसमें उसमें नहीं डलता, ये इसी में डलता है। डेढ़ चम्मच घर वाला लाल मिर्च, डेढ़ चम्मच अब डालेगा इसमें, आधा चम्मच नमक। तो ध्यान रखना आपने आटे में भी डाला था, उसमें मैदे में भी डाला था, इसके डो में, तो यहाँ पे आपने आपको थोड़ा कम ही रखना है इसके अंदर स्टफिंग के अंदर, अदरवाइज वो फिर पूरा नमक ज्यादा हो जाएगा दोनों में। अगर जैसे बिना आटे में जैसे नमक डाला था हम छोड़ भी सकते हैं उसको? नहीं, आटा में नमक पड़ेगा पड़ेगा, इसमें भी नमक पड़ेगा, अगर नमक नहीं पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं लगेगा, स्वाद नहीं लगेगा, फीका लगेगा। अच्छा, फिर मट्टी ऊपर की फीकी लगेगी अंदर की फिर? हाँ। समझ गया। ये पड़ गया आपका, तेल कितना जाएगा अंकल जी? 150 ग्राम तेल गरम। हाँ जी हाँ, गरम ठंडा लो कोई बात नहीं। अच्छा, तेल का कोई इशू नहीं है, गरम ठंडा आप ले सकते हो। यहाँ पे अंकल जी ने गरम लिया है, तो लो भाई इसमें, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हमारा दूसरा काम था वो निपटा रहे थे, और तेल भी थोड़ा गर्म था, बस इसको अच्छे से आपने मिलाना है। और ऐसे स्टफिंग आपको कोई नहीं बताएगा यार, तो विक्रम स्वीट से कुछ भी आपको ऑर्डर करना हो, कैटरिंग का काम हो, घर पे फंक्शन हो, मिठाई बनवानी हो, तो सब ये ऑर्डर लेते हैं। तो कॉल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तैयार हो गया, हो गया अंकल जी? ओके, तो इसमें पानी डाल दिया, पहले पानी डाल रहा सामने। ठीक है, पानी इसमें डल चुका है, पानी भी गर्म ही रहेगा? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये आपका मसाला बन के रेडी है। तो भाई ये देख लो, कचौड़ी अंकल जी ने निकाल दी है, अब ये इतना रह गया है ना अंकल जी? हाँ जी, ये देख लो। ठीक है,
इतना रह गया, अंकल एक बार दबा के दिखाने एक, और ऐसे आपने इसकी लोई तोड़नी है। हाँ, ये लोई तोड़ के हम लोग अब मसाला भरेंगे इसके अंदर, ऐसे पेड़ तोड़ना घर में, ठीक है, ऐसे पेड़ तोड़ने, तोड़ के ऐसे ढेर लगाना, फिर आराम करना, ठीक है मसाले। तो मैंने आपको बता दिया था एक किलो के हिसाब से आप उसका सारा आधा आधा कर दोगे तो वो आधा किलो के हिसाब से पूरा बन जाएगा। तो चलिए अंकल जी, इसका मसाला भरे। हाँ, मसाला भरेंगे, ठीक है। ये पेड़ ही अंकल को पहले पूरी तोड़ने देते हैं, फिर मसाला भरेंगे। भाई देख लो इस तरीके से भरना है आपने, और ये ऐसे निकालना है। तो जो बच जाता है अंकल उसके बीच में लगा देते हैं वाला, इसलिए लगा देते हैं बराबर पेड़ी आवे। अच्छा, अब जैसे छोटी बड़ी पेड़ी होती है ना, हाँ, इसमें लगा दिया इसको भर दिया, ये बराबर यहाँ के बराबर आ जाएगी पेड़ी, बराबर आ जाएगी। अच्छा, कुछ लोग अंकल फट जाएगी मेरा फटने वटने का तो नहीं ना, जैसे घर पे अगर हम ये ना लगाए डायरेक्ट डालें तो कोई बात नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से आपने फिर इसे दबाना है। हाँ, ऐसे। और पहले आपने कड़ची जरूर रखनी है नीचे, ठीक है। और अंकल तेल कैसा रहेगा इसमें? तेल मीडियम एकदम, मीडियम गरम। हाँ जी, मीडियम, ठीक है, मीडियम गरम रखना। और डालते वक्त अभी गैस बंद कर रखा हूँ, बंद कर रखी। एक चीज मैं आपको समझा दूँ, जब आप इसमें डालेंगे ये कचौड़ियाँ, तो जब आप डालेंगे ना उस वक्त आपने गैस कर देना बिल्कुल बंद, मीडियम गरम करने के बाद, और ऐसे करके आपने छोड़ देना, और नीचे आपने लगानी है कड़ची ताकि नीचे चिपके ना, अदरवाइज ये नीचे जाके चिपक जाएगी। नहीं लगाए फिर भी गैस बंद कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। पर गैस जरूर बंद करनी है आपने, मीडियम गरम करने के बाद आपने गैस कर देना बंद जब इसे डाल देंगे। ये देख लो, ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे करके। ये देखो अपने आप ऊपर आ रही है, फूल रही है। तब आपने इसकी जो नीचे वो थी ना कड़ची, वो आपने फिर हटा देनी है, और अभी भी गैस बंद ही है। तो अंकल इसको ये अभी गैस बंद है, मीडियम आँच भी है, कितनी देर तक इसे ऐसे ही रखना है? अभी सारे ऊपर आ जाएंगे तो जला देंगे। अच्छा, ठीक है, जैसे सारी ऊपर आ जाएगी ना तब तक आपने वेट करना है, अपने ऊपर भाग जाएंगे, और जैसे सारी ऊपर आ जाएगी उसके बाद फिर ये गैस ऑन कर देंगे। तो लो भाई, सारी ऊपर आ चुकी है, अंकल जला रहे उसमें गैस। तो हल्का गैस जलाएंगे, हल्का मीडियम, ठीक है। गैस आपकी रहेगी मीडियम, जितनी आपने स्टार्टिंग में रखनी थी गैस वही रहेगी, और बीच बीच में आपने ऐसे कड़ची चलाते रहना ताकि सारी एक जैसे पके। तो ऊपर आ जाएंगे, हिल जाएगा घी, तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तो हिलाएंगे वो धीरे धीरे जो बची हुई नीचे की वो भी ऊपर आ जाएगी। तो ये एक किलो मैदे की बनी है, ठीक है, आपको बता दूं अंकल, एक किलो में 35 निकल जाती है। हाँ, 35, तो आधे किलो में आपकी 17-18। तो आप घर पे अगर आप चाहो कम क्वांटिटी में तो एक पाव का बना सकते हो फिर। तो सारा हिसाब मैंने आपको पहले बता दिया था शुरू में। तो भाई आपने मीडियम आंच रखनी है, अब ये एक साइड तक जब तक लाल नहीं हो जाती तब तक आपने पलटना नहीं है। जैसे ही ये एक साइड लाल हो जाएगी 5-6-7-8 मिनट जितना भी टाइम लेगी, इसके बाद आपने इसको फिर पलटना है। तो चलिए पहले इसको एक साइड पकने देते हैं, फिर जब पलटेंगे तब देखेंगे। ये देख लो भाई, हो चुकी है एक साइड गर्म, अब इसको पलट देंगे। पलट दिया अंकल ने, इसको पलट दिया अंकल। अब ये फिर इतना ऐसे छोड़ देंगे दोबारा, एक दोबारा साइड दूसरी साइड पकड़ने के लिए, तो दूसरी साइड पकने के लिए इसे दोबारा ऐसे छोड़ देंगे। अब ये कितना टाइम लगेगा अंकल जी, जितना टाइम एक साइड लिया? ठीक है, 5-7 मिनट लगे जाते हैं, 5-7 मिनट अभी इसे और लगेगा दूसरी साइड पकने में। तो चलिए सर पकने देते हैं दूसरी साइड से, जब ये फाइनल बन के रेडी होगा तब आपको दिखाता हूँ। तो लो भाई आपकी कचौड़ियाँ बन के रेडी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर पे बनाओ, ये एक किलो मैदा की है, तो घर पे आप इसको आधा किलो करो, एक पाव करो, बनेगी आपकी बिल्कुल सेम। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।